इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि आपको सफल होने से कौन रोक रहा है? कोई और ही नहीं बल्कि आपके अंदर का डर है, और यही डर आपके अंदर की हिम्मत को भी तोड़ रहा है। और दोस्तों इसी डर के कारण हमारे हाथ पे आए हुए मौके भी हमसे छूट जाते हैं, और यही चीज़ हमें अंदर से भी खोखला बना देती है। आइए समझते हैं इस कहानी से कि क्या ये चीज़ से हम छुटकारा पा सकते हैं कि नहीं। दोस्तों ये कहानी है एक आदमी की जिसके पास 10 भेड़े होती हैं और एक बाड़ा होती हैं। वो हर दिन अपनी भेड़ों को चराने के लिए बाहर ले जाता है और रात में उस बाड़े पर बांध के रख देता है। तो दोस्तों एक दिन की बात है, जब वो सवेरे अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जा रहा था तो उसने देखा कि एक भेड़ कम थी। अब वो परेशान हो जाता है क्योंकि इस बाड़े की दीवारें नुकीले तारों की तरह बहुत बड़ी होती हैं, जिसमें से कोई भी जानवर अंदर बाहर नहीं हो सकता है। तो उसने अपनी भेड़ों से पूछा कि बताओ वो एक भेड़ कहाँ गायब हो गई। और उसने आसपास के जंगल इलाकों में ढूंढा, वो भेड़ उसको कहीं भी नहीं मिली। और रोज़ ही उसके साथ ऐसा होने लगा, और ऐसा होते होते उसके पास केवल 2 ही भेड़ बची। वो काफ़ी परेशान हो चुका था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी भेड़ गई तो गई कहाँ। आखिर में एक भेड़ ने जाकर उसको बताया, जो बची हुई 2 भेड़ में से एक भेड़ ने उसके पास जाके बोला कि जो उसके साथ वाली भेड़ है वो भेड़ नहीं आखिर एक भेड़िया है, जो भेड़ की खाल पहन के उनके साथ रह रहा था और वही हर दिन एक भेड़ को खा जाता था। तो उस आदमी ने उसको चिल्ला के बोला कि अगर तुमको ये बात पहले से पता थी तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई। तो उस भेड़ ने कहा कि मैं डर गई थी, मुझे कहीं ये नहीं लगा कि मैं बता दूं तो वो मुझे ना खा जाए, पर अब क्योंकि जान की आफत मुझ पर आ चुकी है तो मुझे ये आपको बताना ही पड़ा। तो दोस्तों ये बात वो भेड़ का मालिक सुन के काफ़ी परेशान हुआ और काफ़ी निराश भी हुआ। उसने उस भेड़ को चिल्ला के कहा, अगर तुमने थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी होती तो आज तुम्हारे सारे साथी जिंदा होते। दोस्तों इस मोटिवेशनल स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी आपको बार बार मौके नहीं देती है। अगर आप कभी भी डर का सामना नहीं करेंगे तो कभी भी आप अपने बनाए हुए रास्ते पर नहीं चल पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये डर आपको जकड़ लेगी और आपको हार का सामना करना पड़ेगा। तो मेहनत करें, डर का सामना करके उसको पार कीजिए और अपने आप को कामयाब बनाइए। दोस्तों एसर टेलीकॉम और स्मार्ट डेवलपर आपके सपनों को सपोर्ट करता है और आपके हमेशा साथ में रहेगा। ये वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम। मेरा नाम दासजी है, मैं छिंदवाड़ा से हूँ, MPC हूँ। यहाँ पे जिस लोग कहना चाहिए तो दूसरे स्टूडेंट में जाते हैं, वहाँ पे कुछ सीख नहीं पाते हैं, और कहना चाहिए तो 2-3 महीने वैसे ही नाश कर देते हैं। यदि जिसको कोर्स करना है वो यहाँ आ भी सकता है, और जिसको जिसका पैसे का प्रॉब्लम रहता है बजट का, वो ये बुक ले सकता है। ये बुक सस्ती भी है, उसमें आप बहुत सारा ज्ञान दिया है हार्डवेयर के मामले पे, कहना चाहिए तो 70% ज्ञान है इसमें हार्डवेयर के मामले पे। हार्डवेयर के मामले में 70% ज्ञान है, और यहाँ पे हर चीज़ चित्र के साथ दिए, फोटो के साथ दिए, इसमें कॉइल रजिस्टर सब दिया इसमें दिया है। तो दोस्तों यदि आपको ये खरीदना है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, और जिसको दोस्तों यहाँ आना है वो यहाँ आ सकता है। थैंक यू दोस्तों। And ISO 9001 and 2008 Certify Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.